हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गोपा और मेरे चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डालिया प्लांट का केयर के बारे में। तो इससे पहले जो जो मेरे चैनल पे नए हैं, सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट में मैं बोलना चाहूँगी डालिया प्लांट्स के बारे में कि हम जब नर्सरी से जब प्लांट्स को ख़रीद के लाते हैं तब वो प्लांट जो है बहुत छोटा सा एक पॉट में रहता है। तभी हम प्लांट्स को बड़े गमले में शिफ्ट नहीं करके छोटे छोटा जो चाय का गिलास मिलते हैं बाज़ार में, कागज़ का जो बने हुए रहते हैं, उस पर हम प्लांट्स को लगा के थोड़े दिन के लिए उस पर लगा के उसको प्लांट्स को बड़ा कर ले। थोड़ा सा बड़ा हो जाने के बाद तब हम प्लांट्स को बड़े पॉट में शिफ्ट करें, ये सबसे अच्छे होते हैं। तो जब हम प्लांट को शिफ्ट करते हैं बड़े गमले में तब उसका पॉटिंग सॉइल कैसे होने चाहिए, तो पॉटिंग सॉइल के लिए हम यूज़ करते 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 30% गोबर का खाद चाहे वर्मी कंपोस्ट और 10% सैंड। ये सबको मिला के हम पॉटिंग सॉइल बना लेते हैं और उसके बाद हम प्लांट्स को बड़े गमले में शिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद बारी आती है, थोड़ा सा प्लांट जब बड़े हो जाते हैं उसके बाद बारी आती है लिक्विड खाद के खाद का। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं जो सरसों का लिक्विड खाद है, लिक्विड वाला, वही बहुत लाइट करके हम लोग को प्लांट पर यूज़ करना है। और एक बात, प्लांट्स को लगाते टाइम ड्रेनेज सिस्टम का विशेष ध्यान देना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि पॉट पे पानी ना जमे और रूट्स को ख़राब ना करें। इसके बाद बारी आती है धूप का। तो डालिया प्लांट को बहुत ही ज़्यादा धूप पसंद है और बहुत ज़्यादा धूप में ही ये अच्छे ग्रो करते हैं और इसका रूट भी अच्छे बनते हैं और इसका जो है ब्रांच भी अच्छे बनते हैं। इसके बाद जब प्लांट जब थोड़ा से बड़े हो जाए तब हम प्लांट को एक स्टिक लगा दें। उससे क्या होगा, प्लांट्स को जो है थोड़ा सहारा मिलेगा तो प्लांट्स अच्छे बड़े होंगे, अच्छे से उसको बढ़ने के लिए सुविधा मिलेगा तो अच्छे से बड़े होंगे। तो हमने जैसे इसमें लगा दिए हैं छोटे लंबे लंबे स्टिक, इसको लगा दिए हैं, देख सकते हैं। उसके बाद बात आती है पिंचिंग का। फ्रेंड्स, डालिया प्लांट को पिंचिंग करीब 2 चाहे 3 प्रकार का पिंचिंग होते हैं इस पर। तो कैसे पिंचिंग करना है, तो हम अगर प्लांट्स में एक ही अगर फ्लावर चाहते हैं तो हम डालिया प्लांट में जो मेन ब्रांच में जो कली आएंगे उस कली को बिल्कुल हम नहीं तोड़ेंगे और अगल बगल से कितना भी कली आए उसको हम सबको हम तोड़ लेंगे। उससे क्या है, जो खाना जो मिलेगा प्लांट को सब एक ही कली में मिलेगा, इससे फ्लावर का साइज भी बड़ा होगा और फ्लावर काफ़ी हेल्दी होगा। और एक बात है, अगर हम चाहें प्लांट्स को ज़्यादा फूल लाने के लिए तो हम मेन ब्रांच को छोड़ के अगल बगल में जो भी कलियाँ आए उसको कुछ हद तक तोड़ दे। उसके बाद 1-2 बार जब तोड़ेंगे तो उसके बाद जो कलियाँ आएंगे उस फ्लावर को हम ले सकते हैं। इससे क्या होगा, एक एक प्लांट में हम लोग 10-12 फ्लावर हम ले सकते हैं, ये सबसे अच्छा जो है हमको बेस्ट लगता है। क्योंकि एक ही प्लांट पे एक ही फ्लावर, हम लोग पूरा विंटर में मेहनत करते हैं उसके बाद एक प्लांट पे एक ही फ्लावर, तो इससे अच्छा हम 8-10 फ्लावर एक प्लांट से ले लें। इसके बाद बारी आती है फंगिसाइड का। फंगिसाइड जो है डालिया प्लांट में फंगस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसके लिए हम लोग होममेड फंगिसाइड यूज़ कर सकते हैं।